यह वीडियो किसी भी तरह विज्ञापन प्रेरित नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के लिए सौदा का जिम्मेदार नहीं होगा। अपने पैसों का निवेश स्वविवेक से करें। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप लोगों में से काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि VTP अल्टेयर का पूरा रिव्यू लाया जाए, तो आज इस वीडियो में आप देख पाएंगे इस पूरे प्रोजेक्ट का डिटेल, लोकेशन, कनेक्टिविटी, रिव्यू, सारा कुछ देख पाएंगे। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम जानकारियां लगातार मिलती रहें। और जो पीछे हमने डेटा के ऊपर वीडियो बनाया उसके आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, इसलिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आगे आने वाले समय में तमाम प्रोजेक्ट के जैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट किए हैं वो मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट का रिव्यू। साथियों, आइए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के रोड कनेक्टिविटी को समझ लेते हैं। जैसे ही आप खराड़ी से आगे बढ़ के आते हैं यू विला की तरफ, यही रास्ता सीधा आपको लेके आ जाता है यू विला के आखिरी छोर तक, और यहां से आपको दिख जाता है पूरा गेट लगा हुआ है जो कि नया रोड बना, और यह रोड हमने तमाम वीडियो में कवर भी किया हुआ है, शायद वो आपने देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा उसका लिंक हम आपको आई बटन पे दे देते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। जैसे हम गेट क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, लेफ्ट साइड में हमें VTP अल्टेयर का प्रोजेक्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आप अभी एरियल व्यू में देख सकते हैं। साथियों, आइए जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। बात करें टोटल लैंड साइज की तो VTP अल्टेयर 2.93 एकर्स में फैला हुआ है। यहाँ पे 3 टावर्स रहने वाले हैं जिसकी हाइट 5+30 स्टोरी रहने वाली है, जिसमें 1 लेवल बेसमेंट है, 4 लेवल का पार्किंग है और 30 स्टोरी का बिल्डिंग है। ये जो डिटेल आपके सामने हम लोग रख रहे हैं ये एज पर महारेरा रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पे बात करें रिफ्यूज फ्लोर की तो 5th, 10th, 15th, 20th और 25th फ्लोर पे रिफ्यूज फ्लोर रहने वाला है। बात कर लेते हैं टावर 1 यानी कि ए टावर की। इसमें अगर हम देखें तो पर फ्लोर 6 फ्लैट्स रहने वाले हैं, जिसमें पर फ्लोर 4 फ्लैट 2BHK के रहेंगे, वहीं 2 फ्लैट 3BHK के रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट की बात करें तो 175 फ्लैट्स रहने वाले हैं। 5 2BHK के फ्लैट कम रहेंगे क्योंकि जैसा हमने आपको पहले ही बताया 5, 10, 15, 20, 25वें फ्लोर पर रिफ्यूज के कारण एक एक फ्लैट कम हुए हैं 2BHK के। आइए जान लेते हैं टावर 2 यानी कि बी टावर के बारे में। यहाँ पर फ्लोर 4 फ्लैट रहने वाले हैं और सारे के सारे चारों फ्लैट 3BHK रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट 115 रहने वाले हैं और इस बिल्डिंग में भी 5 फ्लैट 3BHK के कम रहेंगे, जैसा हमने आपको पहले बताया 5, 10, 15, 20 और 25वें फ्लोर पर रिफ्यूज के कारण एक एक फ्लैट कम हो रहे हैं। आइए जान लेते हैं टावर 3 यानी कि सी के बारे में। जहां पर फ्लोर 7 फ्लैट रहने वाले हैं, जिसमें 6 फ्लैट 2BHK के रहेंगे और 1 फ्लैट 3BHK का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो इसमें 205 फ्लैट रहेंगे और 5 फ्लैट रिफ्यूज की वजह से कम है इसमें 2BHK के। प्रॉपर्टी खरीदने में आ रही किसी भी समस्या के लिए आप सौदा घर से संपर्क कर सकते हैं। आइए इसके इन्वेंट्री और प्राइसिंग को समझ लेते हैं। बात करें 2BHK की तो यहाँ पे 2BHK 668 स्क्वायर फीट से 755 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है, जो कि रेरा कारपेट है, और इसका प्राइस 70 लाख से 85 लाख के बीच में बताया जा रहा है। वहीं अगर हम देखें 3BHK को तो इसका साइज 955 स्क्वायर फीट से 1185 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है और इसका प्राइस 1.5 करोड़ से 1.30 करोड़ तक जाता है। साथियों, जैसा कि हमने इनका सेल्स ब्रोशर देखा तो वहां पे 4BHK ड्यूप्लेक्स और 5BHK सिंप्लेक्स भी दिखाया जा रहा है, लेकिन इसका डिटेल हमें महारेरा में नहीं दिखा, इसलिए हम इसके बारे में यहां पे कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। यदि आगे महारेरा के वेबसाइट पे ऐसे कुछ बदलाव आते हैं तो उसका वीडियो जरूर हम आप तक ले आएंगे। यदि हम बात करें इस प्रोजेक्ट के महारेरा पोजिशन डेट की तो वह जून 2025 रहने वाला है।
तो साथियों आइए जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट के की डिस्टेंसेस के बारे में। बात करें स्कूल्स की तो ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड स्कूल प्रोजेक्ट से 500 मीटर की दूरी पे है, वहीं यूरो स्कूल और पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल 1.8 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है, वहीं फिनिक्स वर्ल्ड स्कूल प्रोजेक्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। बात करें कॉलेज की तो ढोले पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से 1.4 किलोमीटर की दूरी पे है। आईटी पार्क्स की बात करें तो इयॉन फ्री जोन और डब्ल्यूटीसी प्रोजेक्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, वहीं गेरा कॉमर्स जोन 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। बात करें मॉल्स की तो एमनोरा और सीजन्स मॉल प्रोजेक्ट से 7 किलोमीटर की दूरी पे हैं, वहीं फिनिक्स मॉल प्रोजेक्ट से 8 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। बात कर लेते हैं हॉस्पिटल्स की, गोल्ड रस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट से 3.5 किलोमीटर पे है, वहीं कोलंबिया हॉस्पिटल खराड़ी 4.8 किलोमीटर पे है। पुणे रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट से 13 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है, वहीं पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। आइए प्रोजेक्ट के प्रोज और कॉन्स को समझ लेते हैं। बात करें प्रोज की तो प्रोजेक्ट का लोकेशन काफी अच्छा है, इसमें साइजेस भी काफी अच्छे दिए जा रहे हैं। यदि हम बात करें कॉन्स की तो प्रोजेक्ट काफी डेंस नजर आ रहा है और यहाँ पे ओपन स्पेस भी कम लग रहे हैं, क्योंकि 2.93 एकर्स में 495 फ्लैट्स रहने वाले हैं। आइए बात कर लेते हैं किन्हें परचेज करना चाहिए और किन्हें नहीं। ऐसे लोग जो खराड़ी के आसपास निवेश करना चाहते हैं, बड़े कारपेट में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह प्रोजेक्ट अच्छा है। ऐसे लोग जो अपने खुद के लिए घर खरीद रहे हैं, बड़े स्पेस को चाहते हैं, बड़े एमिनिटीज एरिया को चाहते हैं और जल्दी पोजीशन चाहते हैं, उनके लिए यह प्रोजेक्ट नहीं है। तो साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ना भूलें। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ आप अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे लगातार रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हवा है तुम अभी मैं करता हूँ, रुको। ओ भैया थोड़ा साइड हो लो, हमारा हो जान दो पहले। चलें।